जय श्री राम, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो इस गुड्डे गुड़िया का खेल देखने के बाद हम निकल चुके हैं माता मनसा देवी के मंदिर पे। पहाड़ों के ऊपर स्थित है जो भैलवा पहाड़ है, भिलवा कोई भिलवा कहता है, कोई भैलवा कहता है। तो उस पहाड़ पे वो माता का मंदिर स्थित है, बहुत ऊपर है, बहुत सारी चिड़िया चढ़नी पड़ेंगी। चलिए वहाँ से रोप वे से भी जा सकते हैं, रोप वे का 130 रुपीज़ किराया है और आप पैदल जाइए। और तीर्थ स्थान पर गए तो पैदल जाइए, घूमिए, टहरिए, मौज करिए। क्यों भाई, थोड़ा सा चल उल्लो, कहीं तो चल उल्लो हैं, आलसी की तरह पड़े रहते हो। चलो पहाड़ चढ़ो, पत्थर पे चढ़ो और मज़ा आता है इन लंबी लंबी सीढ़ियों पे चढ़ने पे। तो यहाँ से सीधा रास्ता गया हुआ है माता के दरबार में, माता मनसा देवी के दरबार में। तो चलिए चलते हैं माता मनसा देवी का दर्शन के लिए, भागते भागते दौड़ते दौड़ते इन सीढ़ियों के ऊपर से। हम मनसा देवी के लिए जा रहे हैं। तीन भैया इतनी ऊपर कहाँ बैठे हैं क्या, है ना? ओ भैया कैसे हो? अरे अच्छा, तुम मुआ हो, सहेली बैठी? हमारे घर है, ज्यादा नहीं जा रहे हो? अभी 15 मिनट हो चुके हैं और हम अभी आधी सीढ़ियां चढ़ पाए हैं, क्योंकि थक गया भाई चढ़ते चढ़ते। पता नहीं कहाँ गया शरीर की वो ताकत, वो ऊर्जा जिस पर हम गुमान करते थे कि उछल के चढ़ जाएंगे। तो 15 मिनट में ये हालत पस्त हो गई भाई। हम लोग खड़े होके देखने लगी वो नज़ारा जो ऊपर से काफ़ी अच्छा लगता था, हरिद्वार। प्राय उदास वाला हो ये राजू, राजू एंसु डिप्रेशन में, चलो आगे सानू बैठिए। वो मेल है, सानू मेल है, वो मेल है कि किस तरह से माँ गंगा आई हैं, उनको कैसे डाइवर्ट किया गया है, उधर घाट बनाया गया है। और यहाँ पे थोड़े से बंदर भी मिल जाते हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं। अब इतने भी फ्रेंडली नहीं है कि बैठ के साथ में चाय वाय पियो, बस देखो मौज लो, बस आगे बढ़ो। तो थकने के बाद थोड़ी सी ऊर्जा जुटाई हमने, एनर्जी जुटाई अपने अंदर और फिर निकल लिए जय माता दी करते हुए माता मनसा के दर्शन करने के लिए। ये है मनसा देवी का प्रवेश द्वार जहाँ से एंट्री होती है माता रानी के दर्शन के लिए। जोर से बोलो और जोर से, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो और जोर से, जय माता दी, 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 जोर से बोलो और जोर से, जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता की, जय माता की, एक दो तीन चार भैया जी की जय जयकार, एक दो तीन चार माता जी की जय जयकार, भगवान की।
तो ये हमारी प्यारी माता मनसा रानी। तो माता मनसा के दर्शन के बाद चलिए चलते हैं, यहाँ पे फोटो वोटो खींचना मना है, तो किसी तरीके से थोड़ा सा माता का दर्शन कराता हूँ मैं आपको और चलता हूँ। माँ विंध्यवासिनी भी सामने हैं, उनके दर्शन करने के बाद हम वापस निकल लेते हैं घर की ओर, उछलते खेलते कूदते और मौज मस्ती करते हुए। एक तरफ से जो मन को लुभाने वाला दृश्य था पहाड़ का जंगल, वो देख के थोड़ा ठहरने सा मन होता था, लेकिन डर भी उतना लगता था कि इतने पहाड़ी से नीचे जाएंगे तो फिर पता नहीं कितने बार गुड़मुड़ 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 होंगे। तो खैर सावधानी बरतते हुए थोड़ा सा ज़्यादा मस्ती न करके, थोड़ा सा कहते हैं ना समझदारी का परिचय देते हुए हम उसी रास्ते से निकल लेते हैं जिस रास्ते से आए थे। हमें आने में चढ़ने में 35 से 40 मिनट लग गए और उतरते हैं चलते हैं धीमे धीमे, क्योंकि उतरने में भी हमें आधे घंटे लग गए। हमने सोचा था कि कूद फांद के जल्दी से उतर लेंगे, लेकिन उतर नहीं पाए। कुछ लोग थे जो पहाड़ से चढ़ के आ रहे थे, ये यहाँ पे डेली वाले बंदे हैं जो सामान उमान ऊपर लाते वाते पीठ पे सामान रखे रहते हैं और तो चढ़ पाते हैं, उनकी आदत बन चुकी है। हमने भी थोड़ी कोशिश की लेकिन चढ़ नहीं पाए, तो हम सीढ़ियों से ही अब नीचे जाएंगे। माता का नाम लेते लेते माता का जयकारा लगाते लगाते चलते हैं नीचे और जहाँ भी मस्ती का मौका मिलेगा मस्ती करेंगे, लेकिन बदमाशी नहीं। ठीक है, एकदम खड़ी सी रही है, एक जने का धक्का दे सब जल्दी उतरिए। मैया के मुखड़ा निहार जय ये देखो कितना टेढ़ी सीढ़ी बनी है यार यहाँ पे। ये पर्वतारोही है, अब उतरोगे कैसे बेटे? अरे कुछ ना करे, नौटंकी ना करे, खड़ा रहे। मोमा तार उधर से चला जाए। माई से कह दिला मगर हुआ बीमार बा। और जोर से मैंने सुनिया माता दी। तो चलिए हम निकल लेते हैं होटल की तरफ अपने, सारी मस्ती चढ़ती हमने पहाड़ों की चढ़ा, खासकर इस लड़के ने भी काफ़ी मस्ती की। तो चलिए मिलते हैं कहीं और कभी और। जय श्री राम।